एक बंदा था जो सीधा मास्क डाला हुआ था, सीधा फायरिंग मार रहा था। वो वहां से जैसे घर से मर्जी बजा, वहां से निकला नीचे को, उसने हमें बोला बागू जहां से बंदे आ गए हैं। गाड़ी के ऊपर ही उन्होंने कुछ क्या पता नहीं किया गया, वो गाड़ी खत्म कर दी ऊपर ही जला के। तो उसके बाद बाकी हम कुछ पके बंदे भाग गए हमारे। उस टाइम में मैस में था, मेरी ड्यूटी थी वहां पे। कोई 7:10 पे पहली गोली चली, तब भी हमारा गार्ड आए, जो हमारी गाड़ी होती है बलैरो, वहां से गाड़ी से बंदे निकले अंदर खाना खाने के लिए आ रहे थे हमारे पास। तो तब 1-2 मिनट के बाद कोई लगातार कोई 10-20 रोंद खाली हो गया, ऐसे दर दर इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी। हमने सोचा एक हमारा ड्राइवर था जो बेचारा भागा वहां से, ऊपर से कैंप में पहुंच गया था वो। गेट के पास जैसे ही पहुंचा, गाड़ी लगाई, वहां से सीधा आगे से फायरिंग बजती आगे। एक बंदा था जो सीधा मास्क डाला हुआ था, सीधा फायरिंग मार रहा था। वो वहां से जैसे घर से मर्जी बजा, वहां से निकला नीचे को, उसने हमें बोला बागू जहां से बंदे आ गए हैं, फायरिंग हो रही है, उग्रवादी बहुत आ गए हैं। वहां से हम भागे, इतने देर उन्होंने गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया पूरा, जो हमारी गाड़ी थी बलैरो, वो वहां से गेट से भागे। बड़े लोग ऐसे कभी वहां पे छप रहे थे, कोई वहां पे खून ही खून हो गया था वहां पे कैंप के ऊपर। फिर हम सब भागे वहां से, कोई आधा घंटे के बाद हमें पता चला वहां पे कोई 7 बंदों की डेथ हो गई है, जो हमारे सर थे 3 कंपनी के। कोई एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड था जिसको पांव टूट गया, बड़ी गलत हुआ ऐसे। फोर्स कोई 1 घंटे के बाद ही पहुंची यहाँ पे, तब तक कोई नहीं था, ऐसे ही सब पड़ा हुआ था नीचे। तो कंपनी के बंदे आए, फिर गाड़ियों में डाल के आगे को पहुंचाया, फिर उसके बाद आई फोर्स। टाइम हुआ था उस टाइम पे 7:10 पे फायरिंग स्टार्ट हुई थी, कोई 7:35 तक चलती रही लगातार फायरिंग। तो यहाँ पे काम करते हैं, हम G4X में सिक्योरिटी गार्ड हूँ जी। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम घर जा रहे हैं जम्मू। जो बाकी एम्प्लॉइज कितने अभी तक घर जा चुके हैं? सर डर तो लगता ही है जब गोली चलती है सामने आंखों से, पहला कभी ऐसा हुआ नहीं, तो जब गोली चलती है डर तो लगता है, सबको लगता है। साथ में नहीं कोई हथियार थे, नहीं कोई पास कुछ था बंदे के पास हथियार, वो बंदा फिर दम रख ले, कुछ भी नहीं था, ऐसे क्या कर सकता है बंदा। कितने बंदे आपको भेजा रहे हो वहाँ पे? हम अब तो आज तो हम 8-10 बंदे जा रहे हैं, 4-5 पहले चल गए सुबह, सभी जा रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं सभी जाएंगे, आधे ड्यूटी पे हैं वो भी जाएंगे जब वो वहाँ से आएंगे। हम लोग अंदर अपने यूनिफॉर्म साफ कर रहे थे, तो ऐसे पटाखे की आवाज़ आई, तो बाकी वाले बोलने लगे कि पटाखे चल रहे हैं कुछ। उसके बाद तुरंत 2-3 आवाज, 3-4 और दूसरी जगह आवाज आए, फिर हम बाकी वाले बाहर भाग गए। हम जो मेरे साथ थे बाकी हम अंदर ही रह गए रूम में ही, अपने रूम में नीचे बेड के नीचे हो गए हम। तो उसके बाद ऊपर जो अपना गेट है उसकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, और जो जैसे हमारा जो स्कूटी कार का ड्राइवर है वो गाड़ी लेके जा रहा था नहीं, तो एक्चुअली गाड़ी के ऊपर ही उन्होंने कुछ क्या पता नहीं किया गया, वो गाड़ी खत्म कर दी ऊपर ही जला के। तो उसके बाद बाकी हम कुछ पके बंदे भाग गए हमारे, कुछ इधर रह गए। तो बाकी तो हमें यही एक्चुअली, एक हमारा जो बंदा ऑफिस में मैन ड्यूटी थी ना जिसकी, तो एक्चुअली वो क्या कि बाहर उसने छलांग लगा ली है, जैसे बंदे देखा उसने तो ऊपर से उसने छलांग लगाई रोड में, और उसके ऊपर टांग जो फ्रैक्चर हो गई। जगतार सिंह नाम है उसका, कठुआ का रहने वाला है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं हम।